बनाएंगे बेसन के मसाले से मिनी कचौड़ी। इसके लिए हमने ये 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सूजी, इससे कचौड़ी खस्ता बनेगी। 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार डाल ले। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। मोयन इतना दे कि मैदा इस तरह से हो जाए, मैदा इस तरह से हो जाए। ये देखिए मोयन इतना डाले। करीब 4 चम्मच या 5 चम्मच तेल डाला है, इससे ये मैदा इस तरह से हो जाएगा। वो आप अंदाज से मोयन डाल ले, मैदा को इस तरह से करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर ले। डो को न ज्यादा टाइट करना है न ज्यादा सॉफ्ट करना है, मीडियम तरह का डो तैयार कर ले। ये इस तरह का लगा लिया है हमने। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और मथे और इसे ढक के छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, करीब 1/2 घंटा के लिए इसे ढक के छोड़ दे। मसाला बनाने के लिए लिया है हमने 1.5 कप बेसन, 1 कच्ची कैरी, इस तरह से हमने ग्रेट कर ली है। ये करीब 1/2 कप से ज्यादा है। मसाला बनाने के लिए हमने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तेल को गर्म होने दें। छौंकन के लिए सौंफ, काला जीरा, राई और हींग 1/4 चम्मच करके सब ले लिया है। 1/4 चम्मच सौंफ, राई, काला जीरा, हींग 1/4 चम्मच से कम ले लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये छौंकन का सामान डाल दे। छौंकन हो चुका है, गैस को धीमी आंच पे कर दे और इसमें ये बेसन डाल दे। बेसन डाल के इसे धीमी आंच पे चलाएं। इसे सेक के गैस को मीडियम आंच और धीमी आंच करके इसे सेके। बेसन बहुत जल्दी सिक जाता है, इसलिए गैस को धीमी आंच पे कर दे एक बार और इसे चलाते रहें। इसे 2 से 3 मिनट इस तरह भून ले। ये इस तरह से सिक गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा पानी डालें। करीब 2 चम्मच पानी डाला है। पानी डाल के इसे फिर से सेके। गैस को धीमी आंच पे ही रखें। इसे इस तरह से दबा दबा के सेके। ये मसाला बहुत अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल दरदरा। इसे फिर से 1 से 2 मिनट सेके। थोड़ा पानी और डालें। इसी तरह से दबा दबा के सेके। ये इस तरह से सिक रहा है। इसमें वापस से पानी डालें, फिर से इसे सेके। करीब 2 चम्मच 3 चम्मच इस तरह से पानी डाल के इसे दबा दबा के धीमी आंच पे सेके। इससे मसाला बहुत ही अच्छा होगा। इन गांठों को दबा दबा के सेके। थोड़ा पानी और डालें। 2 टेबलस्पून पानी डाला है। इसे वापस से चलाएं, फिर से इन गांठों को फोड़ते हुए सेके। इस तरह से बेसन को सेकते जाए। इसी तरह से 4 से 5 बार पानी डाल डाल के इसे सेके।
इस तरह से ग्लास की सहायता से भी दबा के इसे सेक सकते हैं। ये बिल्कुल दाल की मसाले की तरह बन जाएगा। ये इस तरह से खुला खुला सा हो गया है। ये खाने में बिल्कुल दाल की मसाले के जैसे लगेगा। दाल पीस के जैसे मसाला बनाते हैं उस तरह का टेस्ट आएगा इसमें। अब इसमें ये घसा हुआ आम, कच्ची कैरी डाल दें। अब इसमें ये अदरक और हरी मिर्च, आधी चम्मच अदरक है, आधी चम्मच हरी मिर्च है। आप चाहें तो हरी मिर्च ज्यादा ले सकते हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन्हें भी साथ में सेक लें। कच्ची कैरी डाल के ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही स्वाद। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। गैस को धीमी आंच पे ही रखें। वन चौथाई चम्मच काला नमक, काला नमक से इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। वन चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब डालेंगे इसमें ये चीनी, चीनी करीब तीन चम्मच चीनी हमने डाली है। चीनी अगर आपको पसंद ना हो, ये थोड़ा खट्टा मीठा ही मसाला अच्छा लगता है, चीनी अगर आपको पसंद ना हो तो ना डालें, आप सिर्फ खट्टा मसाला ही रखें। बट चीनी देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ये मसाला हल्का खट्टा मीठा होता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी धनिया की पत्ती। धनिया पत्ता डाल के गैस को बंद कर दे। मसाला रेडी हो चुका है, मसाले को ठंडा होने दे। ये आटा इस तरह से हो चुका है, मसाला भी रेडी है हमारा। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे हम, इस साइज की, जिस साइज की कचौड़ी बनानी है, हमें छोटी कचौड़ी बनानी है इसलिए छोटी छोटी लोई तोड़ ले। अब इस लोई को इस तरह से फैला ले हाथों की सहायता से। इसे अच्छी तरह फैला ले। इस तरह से फैला के इसमें ये मसाला भरे। अच्छे से इसे मसाला दबा दबा के भरे और इसे इस तरह से पकड़ के बंद कर दे। इसे इस तरह बंद कर दे और इसे घुमा दे। इसी तरह से सारी कचौड़ी, ये मिनी कचौड़ी बन जाएगी, छोटी छोटी देखिए इस तरह से, इसी तरह सारी कचौड़ी तैयार कर ले। इस तरह से कचौड़ी भर ली है। मसाला अगर ज्यादा हो जाए तो आप उससे पराठे बना सकते हैं। गैस पे तेल चढ़ा दिया है, तेल को हल्का गर्म होने दे। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। कचौड़ी हम धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। कचौड़ी को इस तरह से हल्के हाथों से दाब ले, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से। तेल हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें ये कचौड़ी डाल दे। इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें, मीडियम और धीमी आंच पे, तो कचौड़ी बिल्कुल क्रिस्प बनेगी, नहीं तो सॉफ्ट रह जाएंगी। गैस को धीमी आंच पे रखें, इन्हें हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, नहीं तो कचौड़ी सॉफ्ट रह जाएंगी।
अगर तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो एक बार के लिए आप गैस बंद भी कर सकते हैं, फिर वापस से ऑन करें। इन्हें धीमी आंच पे फ्राई करें, ये फिर बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। इन्हें धीरे धीरे पलट ले। बिल्कुल धीमी आंच पे इन्हें फ्राई करना है, ये ध्यान रखें, ये तो कचौड़ी सॉफ्ट रह जाएगी। धीमी आंच पे इसे उलट पलट करके सेके, इन्हें लाल होने दें। इसमें थोड़ा टाइम लगता है कचौड़ियों को फ्राई करने में। ये इस तरह से हो गई है, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। घर पे आसानी से बनाए कचौड़ी। ये हो गई है, देखिए इस तरह का कलर हो गया है इसका, ये पूरी सिक चुकी है। इन्हें हमने धीमी आंच पे सेका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से ये कचौड़ियां हो चुकी है, ऐसे ही सारी कचौड़ी फ्राई कर ले। ये कचौड़ियां बनके रेडी है, इन्हें चटनी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बेसन की मसाले की कचौड़ी रेडी है, कच्चे आम डाल के बनाया है हमने इसे, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करें, आप चाहे तो इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं।